देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है SSKM हॉस्पिटल के ट्रॉमा केयर में। आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर कबल 2:30 से 3 बजे के दरमियान जो है दोपहर एक सड़क दुर्घटना पेश आई रिमाउंड रोड CISF क्वार्टर के पास। आपको बता दूं कि वहां पर 3 मोटरसाइकिल जो है आपस में टकराई, 2 स्कूटी थी और 1 बाइक थी, और ये तीनों जो है मोटरसाइकिल आपस में टकराई, जिसके कारण जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक भयावह दुर्घटना पेश आई। इस मौके पर जो है 5 जो है लड़के, नौजवान लड़के उस मोटरसाइकिल में मौजूद थे, 5 लड़के, और जिनमें से 1 लड़के की जो है डेथ हो गई। ये जो है ये दुर्घटना अब से थोड़ी देर पहले 2:30 से लेकर 3 बजे के दरमियान पेश आई है, और इस दुर्घटना में बताया जा रहा है कि 5 नौजवान युवक थे, जिसमें एक्सीडेंट के बाद जो है 1 युवक की जो है मौत हो गई है और 4 जो है सीरियस गंभीर रूप से जो है इंजर्ड हुई है, और उसे SSKM के ट्रॉमा केयर में एडमिट करवाया गया है। आपको बता दूँ जो जिस लड़की की जो है डेथ हुई है उसका नाम है अरकान अहमद, जिसकी उम्र बताई जा रही है 20 वर्ष, 4/2 BK रोड बागकोठी के पास के रहने वाला है, और ये स्टूडेंट था, स्टूडेंट जेम्स ग्लोबल स्कूल्स का। दूसरा जो युवक है उसका नाम बताया जा रहा है सोम्यज्योति दास, 20 वर्ष, रामकमल स्ट्रीट का रहने वाला है। तीसरा जो है युवक उसका उम्र बताया जा रहा है शेख समीर, जिसकी उम्र है 25 वर्ष, दक्षिण जलकुरा काजीपारा बजबज महेशतल्ला का रहने वाला है। चौथा बताया जा रहा है आरिफ हुसैन, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, ये भी जलकुरा काजीपाड़ा बजबज महेशतल्ला का रहने वाला है। और पांचवा जो शख्स है, जो नौजवान है, मोहम्मद समी, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, ये कभी तीर्थ सरानी वार्डगंज का रहने वाला है। तो आपको बता दूँ इन 5 नौजवानों में अरकान अहमद की जो है डेथ हो गई है। काफ़ी सीरियस सिचुएशन में उसे SSKM लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेथ घोषित किया है। क्या है पूरा वाकया, वहां पर के स्थानीय लोग जो इस मौके को वहां पर जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाए, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? MD शमी। वहाँ से हम लोग जा रहे थे, जब जाते समय हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे, उसके बाद उस साइड से देख रहे हैं, हम लोग ठीक जा रहे थे, ठीक राइट से। आप लोग किस तरफ से जा रहे थे? हम लोग जहाँ लेफ्ट साइड से, हम लोग का जो वे, हम लोग जो वे से जा रहे थे, हम लोग मतलब उस साइड से, हमको रास्ता ठीक से पता नहीं है, वहाँ से जा रहे थे। अब उस साइड से देख रहे हैं एक स्कूटी वाला, वो लोग मतलब बीच के, मतलब हम लोग के साइड से ही आके हम लोग को स्ट्रेट में ठोक दिया है। ठोक दिया स्कूटी वाला? हाँ, हम लोग थे, हम पीछे बैठे थे और एक दोस्त चला रहा था, बस वो आके खुद से ठोक दिया, हम उतना देख भी नहीं पाए। तेज में आया क्या? आया तेज में ही आया, तभी तो हम लोग जस्ट गिर गए, उसके बाद हम कुछ समझ में नहीं आया उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, हम लोग बाइक में थे। और आपको बता दूं इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सोशल एक्टिविस्ट असगर साहब, जो कि उस जगह पर इनके ऑफिस है, और जब इन्हें पता चला इस तरीके की जो है सड़क दुर्घटना हुई, अपने टीम, अपने तमाम जो साथ में रहने वाले तमाम को लेकर गए, और तमाम जो नौजवान हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल लाने के इंतज़ाम किए, ताकि जो है उनकी जान को बचाया जा सके। क्या हुआ था मामला, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे खबर मिला कि ऐसा फलाना 3 बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग दौड़ के जब गए देखा तो बाइक एकदम चूर चूर था। जब वहाँ पहुँचे तो 2-3-4 लड़का सब छितराया हुआ था, तो जल्दी जल्दी हम लोग उसको उठा के PG में लाने की कोशिश की। एक लड़का बहुत ही सीरियस था, जिसको हम लोग बहुत ही कोशिश किया बचाने का, हमारे यहाँ आने का डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, उसके बच्चा का कुछ देर बाद खबर मिला कि बच्चा नहीं है। तो उसके बाद सबके घर में, किसी का नंबर मेरे पास नहीं था, तो सबके मोबाइल से 6-6 नंबर लेके नंबर निकाला, सबके घर में बाइक के नंबर से, सबके बाइक नंबर से सबके घर का नंबर निकाल के सबके घर में फ़ोन करके सबको बुलाया, बुला के उसके सब पेशेंट के आदमी लोग घर वाले आ गए, उनके बाद सबको हैंड ओवर। एक लड़का बचा नहीं पाया, उसके लिए बहुत दुख की बात है। जो 2.5 घंटे से देखा जा रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तमाम घर वालों जी, इसलिए दुख की बात है कि मेरे मोहल्ला का लड़का है। हाँ। जो मैं आज तक उसको करीब से देखा नहीं, इतना छोटा लड़का है, मैं आज तक मेरे मोहल्ले में आज तक देखने पर, मैंने वो हर टाइम घर गया। बाइक की हालत बहुत खराब थी, तीनों बाइक बहुत बुरी तरीके से जो है बाइक, देखिए बाइक में एक्सीडेंट हुआ, मगर किस तरह हुआ तो हम लोग देखे नहीं है, कैसे बोले किसका दोष है किसका नहीं है, मगर बाइक का जो अवस्था है, मैंने कुछ भी एक तो गलत फैमिली का है, जो जरूर रेस हो रहा होगा या कोई फुल पिकअप में उधर से बैलेंस नहीं मिला, इसके बाद लड़ा, तो मैं हर मम्मी बाइक में लग रहा है टक्कर हुआ होगा, बहुत जबरदस्त, बहुत तीनों बाइक बहुत तगड़ा टक्कर है, बाइक एकदम चूर हो गया। अगर बाइक आप देखे तो पहचाने भाई ये बाइक किसका पता नहीं चलेगा, मगर मैं हर मम्मी पापा गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को बाइक दे, बहुत सावधानी से चलाने बोले, क्योंकि देखिए आप एक जिसका बच्चा हमारा, एक माँ पे एक बेटा है, आज उनका दिल में क्या बीतता हो उनका दिल से पूछे। मैं हर मम्मी पापा बोलूँगा कि अपने बच्चों को बाइक दे,
तो बहुत सावधानी से चलाने बोले और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने के कि बच्चा अच्छा चलाए और अपना सेफ्टी के साथ चलाए, हेलमेट पहन के, कि कोई ऐसा घटना हो तो अपने बचे, क्योंकि उसका ब्रेन के अंदर लगा है, उसके वजह से उनका शायद डेथ का डॉक्टर ने ये क्वेश्चन दिया। थैंक यू असगर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर बताते कि जालकुरा थी ना? हाँ, डाकघर जालकुरा। जालकुरा কাজিবাড়া। ও এখানে খিদিরপুর কি করতে এসেছিল? মোবাইল নিতে যাচ্ছিল, বানাতে দিয়েছে তো আমার। হ্যাঁ, আমার ছেলে মানা করছিল যে যাস না, এখন ওই কাজ থেকে নেমেছে আমাদের এখান থেকে, কাজ থেকে নেমেই ও যাচ্ছিল। আমার ছেলে বলছে এখন যাচ্ছিস কেন, থাক না, দূর পরে যাবে, বাচ্চা খায় উনি অমনি চলে গেছে ফ্যান্সি মার্কেটে। হ্যাঁ, ওতেই ঘটনাটা পেয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে আমাদের ফোনে সময় বেরিয়েছিল, কিছু খবর আছে? তখন কটা বাজে গো রাজু? আরিফের অবস্থা সিরিয়াস।